Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Studies Articles by Mary. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इंटीग्रेशन cot square x का कैसे कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने एक फार्मूला लिखा है यहाँ पर, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रही, ये ग्रीन से मैंने लिखा है ना, ये वाला, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है. अब इस cot square की जगह मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया. अब मैं इंटीग्रेशन को, चूंकि ये एक लीनियर ऑपरेटर है, दोनों के साथ साथ अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है. क्योंकि हम कर रहे हैं माइनस, तो ये यूँ होगा, दोनों के ऊपर हम अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे. कॉट स्क्वायर एक्स के ऊपर अलहदा से हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है. उसके बाद अगर हम 1 का इंटीग्रेट करें तो x आता है. कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉट x, ठीक है. ये यहाँ पे हम थोड़ा ब्रैकेट डाल के यहाँ लिख देते हैं, माइनस कॉट x. प्लस c, ठीक हो गया. ये मे बी माइनस पॉजिटिव है, आई हैव नो आइडिया, अगर मेरे से कहीं ना कहीं हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा. प्लस कॉट एक्स, ठीक हो गया. तो ये जो है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन आ गई कॉट स्क्वायर एक्स की. और सी, आपने इन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये हमेशा प्लेस करना है, ठीक है. इसके बगैर क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्पेशली ये वाले जो होते हैं ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं. तो नेक्स्ट आर्टिकल के लिए रेडी रहिएगा. होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.